मतलब विथ आधार एंड ओटीपी गेस, आधार कार्ड का ओटीपी बेस से मतलब आपका लॉगिन हो जाएगा। आप तो देखिए गेस यहाँ पर लॉगिन हो रहा है गेस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल लॉगिन हो रहा है गेस। आप लोग देखिए कैसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एम्बेसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को कैसे पता कर सकते हो अगर आपका मल्टीपल्स अकाउंट है, मल्टीपल आपका अकाउंट बैंक अकाउंट है, तो गाइस आप लोग कैसे अपना आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है अपना बैंक अकाउंट पर, तो गाइस चेक कैसे कर सकते हो ऑनलाइन से, अपना मोबाइल से कैसे कर सकते हो, वो मैं आज इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। गाइस कंप्लीट देखिएगा ये वीडियो, आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत सारा का गाइस पता ही नहीं है किस तरीके से गाइस अपना आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट कौन सा लिंक हुआ है वो चेक करना है। तो गाइस यही प्रोसेस अच्छे तरीके से आज यहां पर आप लोगों को जानने के लिए मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो पर, आप लोगों को मैं कंप्लीट दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी स्क्रीन पर आप लोग देखिए आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। तो देखिए गाइस बहुत सारा को पता नहीं होता है अपना मतलब आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक होके बैठा है, तो गाइस वो मैं डाउट क्लियर करने के लिए आप लोगों को आज मतलब दिखाने के लिए प्रोसेस क्या है उसका और कैसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मतलब वो प्रोसेस दिखाऊंगा अपना बैंक अकाउंट एक्चुअल में अपना आधार कार्ड में लिंक है कि नहीं है, बस वो जानना है आपको। तो गाइस कैसे चेक कर सकते हो अपना मोबाइल से, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा uidi.gov.in, ये इसका ऑफिशियल साइट है गाइस, ये आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मोबाइल पर भी आपको इसी तरीके का देखने को मिल जाएगा, तो गाइस यहाँ पर आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिए uidi.gov.in। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा गाइस, आप लोग वहां पर जाके भी डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद थोड़ा ही रुकना है गाइस, यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से गाइस यहाँ पर आपको इंस्टेंटली देखने को नहीं मिल रहा है गाइस। आपका वहां पर अगर नेट स्पीड है गाइस, आपका नेटवर्क अच्छा है, तो गाइस वहां पर स्पीड होगा, आप लोग जल्दी जल्दी देख सकते हो। तो देखिए गाइस मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, बने रहे वीडियो पर। तो देखिए गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर प्रीफर्ड लैंग्वेज टू इंटर द वेबसाइट बोल के दिखाएगा गाइस। आपको यहाँ पर अपना हिसाब से गाइस लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप लोग सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। और गाइस आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आधार कार्ड में। अभी गाइस आपको क्या क्या करना है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस। देखिए गाइस अगर आप लोग ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हो मतलब अपना आधार कार्ड फ्री में, तो गाइस यहाँ पर अप टू 14 जून 2024 तक है गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लास्ट डेट आपको दिया गया है फ्री में करने के लिए। अगर आपको चेकआउट करना है अपना बैंक अकाउंट में आधार कार्ड एक्चुअल में लिंक है कि नहीं है, मतलब वो आपको चेकआउट करना है, या तो अपना आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है गाइस, तो गाइस वो चेकआउट करना है, तो देखिए गाइस यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए गाइस यहाँ पर अभी देखने को आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है मतलब एक स्कैनर पर, और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद इस तरीके का आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर क्या कर देना है गाइस, यहाँ पर देखिए गाइस लॉग इन बोल के गाइस आपको लॉग इन करना है पहले। तो देखिए गाइस मैं लॉग इन कर रहा हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से करिए, आपका भी हो जाएगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पर लॉग इन मतलब विथ आधार एंड ओटीपी गाइस, आधार कार्ड का ओटीपी बेस से मतलब आपका लॉगिन हो जाएगा, ऑफिशियल डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली लॉगिन पर क्लिक करिए। तो देखिए गाइस इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या कर देना है, यहां पर इंटर आधार नंबर दे देना है, यहां पर ये कैप्चा दे देना है, उसके बाद लॉग इन विथ ओटीपी कर देना है। आपका आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहां पर 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी 10 मिनट तक वैलिड रहेगा, और 10 मिनट के अंदर में आपको यहां पर ओटीपी दे देना है, उसके बाद लॉग इन कर देना है। तो देखिए गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बने रहे वीडियो पर, आप लोगों को कंप्लीट जानकारी यहां पर मिल रहेगा, बिना स्किप किए देखिए वीडियो, तभी गाइस आपको कंप्लीट जानकारी यहां पर पूरा जानकारी यहां पर आपको मिलेगा और आप खुद कर सकते हैं अपना मोबाइल से। तो देखिए गाइस यहां पर लॉग इन हो रहा है गाइस, आप लोग यहां पर देख सकते हो आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल लॉग इन हो रहा है गाइस। आप लोग देखिए कैसे अपना मतलब आधार कार्ड में बैंक अकाउंट कौन सा लिंक है कैसे चेक करें मैं दिखा रहा हूँ, और इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये अपडेट तो मैंने पहले ही आपको फास्ट में ही बता दिया। अभी गाइस आपको देखिए गाइस अपना बैंक अकाउंट अपना आधार कार्ड में लिंक हुआ है कि नहीं है, तो गाइस वो चेकआउट करने के लिए किसी भी अगर बैंक में आपका मतलब पासबुक है और उस बैंक ब्रांच में गाइस अगर आपको बिना वहां पर जाए आप लोग चेकआउट करना चाहते हो अपना आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो बैंक सेटिंग स्टेटस, यहां पर सिंपली ये कर देने के बाद में आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अभी क्लिक कर देने के बाद में देखिए गाइस आधार यहां पर अभी बैंक सेटिंग स्टेटस यहां पर आप लोग देख सकते हो अभी शो हो रहा है गाइस। फाइनली गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर आधार
बैंक मैपिंग हैज बिन डन। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैपिंग हैज बिन डन बोल के आ रहा है गाइस, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये आधार कार्ड में आपका जो भी है गाइस, 4 डिजिट लास्ट में जो नंबर है आपका आधार कार्ड का नंबर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा बैंक अकाउंट आपका, बहुत सारा हो सकता है गाइस बैंक अकाउंट, और उस बैंक मतलब में मतलब एक्चुअल बैंक कौन सा, नेम क्या है उस बैंक का, तो गाइस वो नेम आप लोग पता कर सकते हो। देखिए गाइस ये वाला बैंक अकाउंट मेरा आधार कार्ड में लिंक है, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरा आधार कार्ड में लिंक है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका पंजाब नेशनल है तो गाइस यहाँ पर पंजाब नेशनल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका स्टेट बैंक का है ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो गाइस इस तरीके से बहुत सारा बैंक होता है गाइस, वो बैंक मतलब एक्चुअल में यहाँ पर आपको दिखाया जाता है मतलब आपका आधार कार्ड में कौन सा लिंक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्टिव, और लास्ट अपडेट देखिए गाइस कब हुआ था गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट पर गाइस जो भी गाइस आधार कार्ड लिंक है या तो नहीं है, तो गाइस वो आप लोग चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस उस परिस्थिति में गाइस आपको यहाँ पर आके अपना मोबाइल से गाइस ये वाला ऑप्शन देखिए गाइस, बैंक सेटिंग स्टेटस पर जाके आप लोग इजीली देख सकते हो मतलब अपना आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक हुआ है। तो गाइस यही था वीडियो मेरा आज का, और अगर आपको अपडेट तो मैंने बता दिया, अगर आपको एड्रेस चेंज करना है गाइस आधार कार्ड का, तो खुद गाइस आप लोग यहाँ पर एड्रेस अपडेट पर जाके सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर देखिए गाइस अपडेट आधार ऑनलाइन, तो देखिए क्लिक हियर टू अपडेट द एड्रेस ऑफ योर आधार। तो देखिए आपका आधार कार्ड का मतलब एड्रेस यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो, इस तरीके से क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोग अपना हिसाब से गाइस यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक करिए। एड्रेस चेंज करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर जाके आप लोग इजीली आधार अपडेट कर सकते हो, जो भी एड्रेस लगाना है आप लोग लगा सकते हो अपना डॉक्यूमेंट देके। तो चलिए मेरा आज का वीडियो में, नहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।